नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। करीब 200 बीघा मक्का की खेती को बर्बाद किया प्रताप बीज भंडार के मालिक भानु यादव ने। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना घिरौर के ग्राम कोसमा का है। यहाँ के रहने वाले किसानों ने मक्का की खेती की थी। ये मक्का का बीज प्रताप बीज भंडार कोसमा से लिया था, जो उसके मालिक भानु यादव हैं। ग्राम कोसमा के किसानों ने भानु यादव की दुकान से त्रिमूर्ति कंपनी की मक्का का बीज लिया था। यह बीज लेते समय भानु यादव ने इस बात की गारंटी ली थी कि सबसे अधिक पैदावार इस त्रिमूर्ति कंपनी की मक्का में ही होती है। किसान इसके झांसे में आ गए और उन्होंने ये मक्का का बीज अपने खेतों में डाल दिया। उसके बाद माजिद अली की 60 बीघा मक्का, रज्जाक अली की 16 बीघा मक्का, नाजिर खान की 2 बीघा मक्का और योगेंद्र की 8वीं बीघा मक्का, कमल किशोर की 5 बीघा मक्का, कमलू खान की 4 बीघा मक्का, बबलू की 4 बीघा मक्का की मिट्टी में दाना ही नहीं पड़ा। इन सब बातों की जानकारी जब बीज भंडार के मालिक भानु यादव को दी तो उसने किसानों से इस बात की सलाह दे दी कि आप लोग फांसी लगाकर अपनी जान दे दो। इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा कि मेरा कुछ नहीं करवा सकते क्योंकि अधिकारियों से मेरी सांठ गांठ है। भानु यादव की ग्रामीणों ने जानकारी यह भी दी है कि यह पहले पशु चिकित्सा रहा है और झोलाछाप डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। किसान इस बात को सुनकर जिलाधिकारी मैनपुरी को मुआवजे की मांग करते हुए प्रताप बीज भंडार के मालिक भानु यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आप देख सकते हैं कि खेतों में खड़ी मक्का में दाने नहीं पड़े, किसान रो रहा है। इस गांव कोसमा के किसान का करीब 60 बीघा खेत है जिसका करीब 10 लाख रुपए के लगभग नुकसान हुआ। अब यह भरपाई कैसे होगी इसके लिए किसानों ने जिलाधिकारी मैनपुरी को शिकायती पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर मौजूद रहे किसान माजिद अली, साजिद अली, आशिक अली, नजीर खान, वसीम खान, भगवान सिंह, लोकेंद्र सिंह, जगमोहन सिंह, योगेंद्र सिंह, कमल किशोर सिंह, छोटे सिंह, शैलेश दिवाकर, सचिन शाक्य, शादीलाल प्रजापति, ओम शरण शाक्य, अजय सविता आज किसान मौजूद रहे। इस संबंध में किसानों ने क्या कुछ कहा देखिए इस रिपोर्ट में। अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। बात है, आप जिलाधिकारी के पास आए हुए हैं, तो क्या समस्या है आपकी? समस्या ये, हम दुकानदार के पास गए, दुकानदार कुछ नहीं सुने, 15 दिन बराबर दुकानदार जा रहे। दुकानदार क्या नाम है? भानु प्रताप सिंह। कहाँ के निवासी है वो? गांव नायपुर गांव है। अच्छा, जी क्या कहा? आता है कोई बचने की बातें करता है, गाली गलौज की बात करता है, ये कहता है फांसी लगा लो, सांटा भाई सांटा दे लो, इसमें फांसी लगा लो, हमारे देखें क्या करवा लो, ज्यादा लाखों हमारे जब करवा दोगे और दुकान बंद हो जाएगी, कोई जिला लेवल के अधिकारी हमारा कुछ नहीं कर रहे। तो कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान हमारा करीब 6 लाख रुपए का, 60 मकान है। तो आपने शिकायत किया, थाने में शिकायत किया? थाने में शिकायत साहब अब करने जा रहे हैं। और जिलाधिकारी के पास आप आए हैं, क्या कहा? क्या कहा? वो साहब मिले नहीं है, वो कागज दिया लेकर, एप्लीकेशन दे दिया आपने? अच्छा, इससे पहले भी और किसानों का भी नुकसान हुआ आपके गाँव में? हाँ, सब जो ये इस नाम की मक्का लेके सबके में नुकसान। कितने किसानों की होगी? लगभग 50-40 किसान है। कितना टोटल नुकसान हुआ लगभग सारे किसानों का? 200-300 बीघा नुकसान हुआ है। किस गांव का है मामला? ये कोसमई गांव, कोसमा, दो मौजे हिंदू मुस्लिम मौजा दिए सब खेती है। तो लगभग 50 किसानों का नुकसान हुआ है सर? नुकसान हुआ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम माजिद अली राम है। तो आपका कितना बीघा था? हमारे 60 बीघा मक्का था, पूरा दाना नहीं आया। मामला ये साहब कि हमारी फसल में मक्का में मतलब दाना नहीं आया है, जिस कंपनी की हमने त्रिमूर्ति की मक्का बोई है, तो हम तो जिस दुकान से बीज खरीदते हैं उसके पास हम सिंगो लेने के लिए गए थे, क्योंकि सिंगो हम 10 वर्ष से यूज कर रहे हैं, और इस दुकानदार ने हमको ये बोला कि ये सिंगो से अच्छी मक्का क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी देगी और अच्छा दर देगी आपको। जब हमने ये बीज बोया तो फसल बढ़िया लगी, और जब फल फूल आया तो उसमें बाल पहले आ रही है, भुट्टा बाद में आया, भुट्टा बाद में आने के बाद में दाना भी नहीं आया उसमें। कितना नुकसान हुआ लगभग आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में साहब कम से कम 200 बीघा प्लस मक्का होगी, क्योंकि इतना नुकसान हुआ है। हमारे 60 बीघा है, किसी की 10 बीघा है, किसी की 14 बीघा है, किसी। अच्छा, एक बीघा में कितना होता है? एक बीघा में 6 क्विंटल कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 क्विंटल 8 क्विंटल बीघा, जो जिस टाइम की बोई गई है तो 8 क्विंटल के बीघा समथिंग मक्का कट जाता है। तो यहाँ प्रार्थना पत्र देने आए हैं, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं साहब हमको न्याय मिले, इंसाफ मिले, क्योंकि अगर तापमान की जो दुकानदार समस्या बता रहा है, दुकानदार कह रहा है कि तापमान की समस्या, जो और भी फसलें मक्का की लगी उनमें भी सेम समस्या। क्या नाम है दुकानदार का? भानु प्रताप सिंह। कहाँ के निवासी है? नायकूड के निवासी, कोसमा हिनूत पंचायत में आते हैं। दुकान का क्या नाम है? प्रताप खाद भंडार के नाम से दुकान है, कोई लोगो नहीं, कोई कुछ नहीं है। उन्होंने एक बिल दिखाया था जो कि उस पे था, प्रताप खाद भंडार के नाम से शिफ्ट हुआ था, माल उतरा था उनके।
और कुछ नहीं, ऐसी बैनर लगे हैं जैसे जो भी बीज सेल करने आते हैं उसके बैनर लोगों लगे हैं उनकी दुकान पे। दुकान का कोई एड्रेस कोई कुछ नाम नहीं पड़ा है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम आसिक अली। किस गांव के निवासी? पोस्टमा। क्या 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 समस्या है आपकी? हमारी समस्या जो है मका हमारी सफल चली गई, अड़िया दानो ही ना आओ, बीज गलत दाओ। किसने बीज गलत दिया? भानू ने। तो ये आपको जबरदस्ती दिया गया? ना, जब भाई मोहल्ले में गए तो मैंने जबरदस्ती जो बीज दाओ के जू ले जाओ। अच्छा, तो उसके बाद क्या कहा आपसे? हमसे कहा कही जा, कही अच्छी फसल हुई है। कितना नुकसान हो गया? हाँ, होगा 80-90 हज़ार का नुकसान। क्या नाम है आपका? जानकी। किस गाँव निवासी है? कोसमा। समस्या आपकी? हमारी जाए समस्या मकावाड़ी। कितना खेत है आपका? हमारा 8 बीघा। सूख गया? सूख गया, बिल्कुल दाना नहीं है। दाना नहीं है। अच्छा, तो क्या आपने, आपको जिसने दिया है बीज उससे आपने बात की थी? हाँ, की थी। क्या कहा उसने? मैंने आज कर चढ़का तो रहो, आज बाद आपके यहाँ गए तब मान लगे कि जो कर भाव तो कर ले, हमारे अधिकार ने खरीद लिए। अच्छा, अधिकारियों खरीद लेंगे। हाँ। और क्या कहा? और ऐसे उन अंतसन से बोलो, तुम फांसी लगा रहे, हम अधिकारी को भलनी है जो हम तुम्हें दी है वो हम अधिकारी को दे दिए। सांकर को दे दी? हाँ, सांकर ना, नहीं सांकर मेरे पास है। फांसी लगाने के लिए दी? हाँ, रस्सी टूटी जाए, टूटी जाए ना, उकसा दिया आपको। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? कमल किशोर। कमल किशोर। हाँ। किस गाँव निवासी? कोसमा। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।